हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। देखें, जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो माइनस वन या प्लस वन जो है, ये माइनस और प्लस जो है ना, ये आवाम के फैसले होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के फैसले नहीं होते या किसी और के फैसले नहीं होते। ये सिर्फ पाकिस्तान के आवाम माइनस वन और माइनस और प्लस वन का फैसला कर सकते हैं। और अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, ये थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो लंदन में जितनी भी क्यासर आई हैं उनको रिजेक्ट करते हुए ये कह रहे थे कि पार्टी के अंदर कोई दरार नहीं है। मगर इमरान खान लंदन मुलाकात से नाखुश दिखते हैं। अपने ट्विटर पैगाम में इनका कहना था कि नवाज शरीफ का लंदन गेम प्लान खुलकर सामने आ चुका है, नवाज शरीफ पार्टी पर अपना गलबा करके इदारों को बदनाम करेंगे और जमात को नैब, अदलिया और फौज पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं, शाहिद खाकान नवाज शरीफ के वफादार बने हुए हैं और कानून से मफरूर शख्स को वजीर खजाना के ओहदे पर बरकरार रखा हुआ है। नाज़रीन, पिछले कुछ हफ्तों से हम सुन रहे थे कि हुकूमत अब गई और टेक्नोक्रेट सरकार अब आ गई, ये तो हो गए सियासी बयानात। मगर हकायक ये हैं कि कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा करने वाले भी 2018 में वक्त पर होने वाले इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। अब नए इत्तेहाद बनेंगे, हरीफ अब हलीफ होंगे। इधर नैब समातों का सामना करने वाले नवाज शरीफ के दोनों बच्चों की 6 कंपनियों के जो हिस्से हैं और जो शेयर्स हैं वो मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज हो चुका है और सियासी और कानूनी तौर पर मंझधार में घिरे शरीफ खानदान का मुस्तकबिल की सियासत में क्या किरदार होगा, ये हम आज पूछेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, एक आप कह सकते हैं कि अपना प्रोग्राम भी करते हैं कैपिटल टीवी में, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में शिरकत की। और हमें कराची से ज्वाइन करेंगे फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे पंजाब के स्पोक्स पर्सन मलिक अहमद साहब। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर उमेर मलिक साहब हैं, जो नैब के एक एक्सपर्ट लॉयर हैं और हमने उनको इसलिए बुलाया है ताकि क्यासर आई उस निकल के कुछ हकायक के ऊपर भी बात हो जाए। सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी मलिक अहमद साहब, जो आज की खबर है वो तो ये है, और मीडिया कम अज़ कम हम नहीं मगर बाकी मीडिया ये कह रहा है कि जी लंदन के अंदर कुछ खास फैसले हुए हैं और उस फैसले के बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो होंगे वो 2018 में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। तो आई'ड लाइक योर एक्चुअली ऑफिशियल रिस्पॉन्स ऑन दिस। शुक्रिया बुनीज़े। देखें, अगर मियां नवाज शरीफ साहब किसी टेक्निकल रीज़न पर कोई कोर्ट के डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर हैं और अगर वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली हु कुड बी द सेकंड बेस्ट चॉइस, वो जाहिर सी बात है मियां शहबाज शरीफ साहब ही हैं। और फिर ये फैसला करना तो पार्टी की लीडरशिप का है या सेंट्रल वर्किंग कमेटी का, एक ऑफिशियल पार्टी स्टेटस के साथ ये डिसीजन होगा कि कौन होंगे लीड करने के लिए। तो अभी लंदन में अगर कोई डिलीब्रेशन हुई हैं इस रिगार्ड में और कोई खबर ऐसी वहां से आई है तो उसके मुताबिक तो बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि ये सेट है कि फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस ऑब्वियसली शहबाज साहब का एक कल्ट है, उनकी गवर्नेंस का एक कल्ट है और वो एक बेटर गवर्नेंस के लिए, एक डिलीवरेंस के लिए माने जाते हैं। तो अब वो मुस्लिम लीग नून में अगर मियाँ नवाज शरीफ के बाद कोई शख्स भी कोई कंसिडर हो सकता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो शहबाज साहब की है। अच्छा, मगर इस बार चूंकि वो पिछली दफ़ा नहीं हुए इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। उमेर, आपकी जानिब आती हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें और ये मफरूज़े जो हैं इसके ऊपर मबनी हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट हो जाते हैं और जो भी केसेस उनके खिलाफ हैं उसके अंदर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब आप इस केस को कैसे देखते हैं? क्या इतना आसान होगा इनको इलेक्शन से पहले कन्विक्ट करने के लिए, लेट्स से बिफोर जून 2018? देखिए, इसमें अभी तो वी आर टॉकिंग, वी आर प्रज्यूमिंग दैट देयर इज गोइंग टू बी कन्विक्शन।
The trial to some extent has commenced to the extent of framing of charge. अभी तो सारे का सारा burden of proof जो है, जो बारे सबूत है, वो तो prosecution पर है. अभी prosecution के witness आने हैं, वो witness box में आएंगे, वो क्या शहादत पेश करते हैं, उनके ऊपर क्या आगे जिरा होती है, और उसके बाद मिसल पे या कोर्ट के रिकॉर्ड पे क्या एविडेंस आता है जो ये साबित करे, एलिगेशन क्या है, एसेट डिस्प्रोपोर्शनेट टू नॉन सोर्स ऑफ इनकम. तो पहले तो प्रोसिक्यूशन ने ये साबित करना है कि इनके नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या थे. उसके बाद ये साबित करना है कि मियां नवाज शरीफ के और उनके साथ जितने भी और लोग हैं उनके ये जो अक्वायर्ड एसेट हैं ये उनके नॉन सोर्स ऑफ इनकम से डिस्प्रोपोर्शनेट हैं. पहले ये बादी उल नज़र में प्रिमा फिशाए एविडेंस लाएंगे तो फिर कहीं जाके बारे सबूत डिफेंस पर आएगा. तो इस वक्त तक तो तमाम क्यास राइयाँ हैं क्योंकि ऐसा मामला जो सब जुडिस है उसके बारे में क्या कहना, कौन विटनेस आएगा, वो मगर बच्चे तो आ ही नहीं रहे ना फिलहाल. तो जो दो लड़के हैं उनकी वो तो आए ही नहीं रहे वापस पाकिस्तान, तो उनके साथ तो आप लिंक कर ही नहीं सकते केसेस को. बिल्कुल आपने ठीक कहा. इसके अंदर मुनीजे, इसके अंदर आपको ये देखना है कि उनमें से कौन से एसेट्स के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो उनके जो दो साहबजादे हैं मियां नवाज शरीफ के, जो कि अदालत के सामने अभी पेश नहीं हुए, जिनके बारे में आगे ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर कितना इल्ज़ाम है कि उनके कौन से एसेट्स हैं. अल्जाम तो मियां साहब का जो केस है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, वो उनके बच्चों के साथ नथी है, दो लड़के हैं हसन हुसैन के साथ. जब तक वो नहीं आते तब तक इस केस को सही मायने आगे नहीं लेके जाया जा सकता. ये कोई पहली दफा नहीं हुआ. अगर हमारी तारीख के अंदर पहले बेनजीर भुट्टो के केसेस के अंदर और आसिफ अली जरदारी में, वो फेमस सरे महर आपको याद होगा, उसके अंदर भी यही था कि वो एसेट किसका है. जब तक वो उनके साहबजादे जो कि एक्यूज हैं वो नहीं पेश होते और उसके बाद उनके ऊपर ट्रायल और चार्ज फ्रेम नहीं होता और वो आंसर नहीं करते, उसके गैर मौजूदगी में मुझे नज़र नहीं आता. ज़रा प्रोसिक्यूशन का केस मुश्किल है, प्रोसिक्यूशन का केस मुश्किल, उनकी गैर मौजूदगी. अच्छा, ये तो हो गया लीगल एंगल. मुर्तजा सोलंकी साहब, ये बताइए कि आपने आज एक अखबार की खबर ज़रूर पढ़ी होगी, अभी अभी आई है शाम के वक्त, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दूरियाँ हैं वो कम होने लगी हैं. करीम ख्वाजा साहब से भी पूछेंगे, पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ. और उसके अंदर कहा है कि एक फ़र्द है जो इन दूरियों को कम करेंगे और जल्द जरदारी साहब जाके लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे. डू यू बिलीव दैट? देखिए, सियासत जो है वो मुमकिनात का खेल है. तो उसमें नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं है. और ये मेरे ज़ाती इल्म में है कि जो सियासी जमातें हैं उन सब के एक दूसरे के साथ रबते हैं और आला सतही रबते हैं. और ये मेरे इल्म में भी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी रबते हैं. किसके ज़रिए? कुछ सियासी भी हैं और कुछ गैर सियासी भी हैं. अच्छा. और एक के बजाय दो हैं. अच्छा. लेकिन दो हैं जी. लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो सियासत के जो कुछ तकाजे हैं वो ऐसे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई प्रेस रिलीज आए. और इस वक्त मुझे नहीं लगता, मेरा जो गुमान है वो ये नहीं है कि कल जो है वो आपको लंदन में कोई मुलाकात नज़र आएगी. मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले कम ही इम्कानात हैं कि पब्लिक लेवल पे इसका कोई इजहार हो. करीम ख्वाजा साहब, ये खबर आप मुस्तरद करते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान एक मुलाकात होने जा रही है लंदन के अंदर? मुनीजा, जहाँ तक मेरी इतलात है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है और हमारा हर इलेक्शन में 88 से ऑनवर्ड नेक टू नेक फाइट मुस्लिम लीग नून से ही रही है. और हमारी जो रिकंसिलेशन की पॉलिसी जो थी, जिसकी वजह से हमने बहुत भुगता है, तो खुदा ना खास्ता इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए. हम ये भी नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट गिर जाए. हम ये भी नहीं चाहते कि बैक डोर के थ्रू हम आए. मगर हम ये चाहते हैं कि नेक टू नेक एक हेल्दी फाइटिंग हो
फाइट, पॉलिटिकल फाइटिंग। तो अभी फिलहाल ऐसी इतलात मेरी नहीं है। नहीं, इसलिए चूंकि जरदारी साहब ने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दी, उन्होंने कहा कि जी हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े जो लोग हैं भारी भरकम वो हमारी पार्टी में आएंगे पंजाब में से, तो मैं सोच रही थी शायद आप अलायंस की बात कर लें, शायद आप लोगों की कोई जोड़ तोड़ की सियासत पंजाब के अंदर हो जाए, उनकी सिंध के अंदर हो जाए, पॉसिबिलिटी है? देखें, पॉलिटिक्स में हर तरह की पॉसिबिलिटी, इलेक्शन से पहले हमारे लोग इधर जा सकते हैं, उनके लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हमारे पास आ सकते हैं, ये चीज़ें होंगी, होंगी बड़े पैमाने पर होंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस वक्त हमारी मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि हमारा अभी प्रोग्राम की बुनियाद पर पंजाब में इलेक्टोरल फाइट होगी, वो सेंटर टू द राइट पार्टी है, हम सेंटर टू द लेफ्ट हैं, हम अपने भुट्टो साहब तो अलायंस नहीं, वहाँ पे कोई हल वो नहीं हो सकता है, लाइक इलेक्टोरल अलायंस मुस्लिम लीग से जहाँ तक अलायंस तो नहीं मैं कहूँगी, मगर लेट्स से कि एक एडजस्टमेंट हो जाए। देखिए फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, ये इलेक्शन के बाद क्या सीनरियो बनता है कि किस तरह होता है। देखिए आज बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा हुआ है, हालांकि सेंसस भी हो गए हैं, हर चीज़ हो गई हैं, मगर सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि भाई सीट्स फिलहाल यही रहें और इलेक्शन वक्त पर हो। हाँ। तो ये एक बड़ी मेच्योरिटी है कि ये वो जो कंस्पेरेसीज़ हो रही हैं, थर्ड फोर्स आ जाए, टेक्नोक्रेट हो जाए, उसको आज दम तोड़ गई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मैं इसलिए ये सवाल करी थी क्योंकि आज एतजाज अहसन साहब ने बयान दिए, से पहले कि मैं फैसल वाडा साहब की जानिब जाऊं, जरा वो आप बयान सुना दीजिए प्लीज। मैं समझता हूं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और कोई मदाखलत या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट वगैरह नहीं होगी। मुस्लिम लीग नवाज ने ये फैसला किया है कि माइनस वन फार्मूला नहीं होगा और नवाज शरीफ ही उनके सरबराह रहेंगे। अव्वल तो ये उनका अंदरूनी फैसला है, इस पर हमें कमेंट करने का कोई इख्तियार नहीं है, जो फैसला भी वो करें, वो जो बेहतर समझते हैं वो करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फैसला उनके लिए बेहतर है। पार्टी में माइनस वन जो फॉर्मूले लाते हैं पार्टियों में, उनको नाकामी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मरियम ने सियासी लिहाज से मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को आगे बढ़ाया है, उसने जारहाना सियासत की है, उसने इदारों के तकद्दस की परवाह नहीं की, उसने अदालती फैसलों की परवाह नहीं की, और जिस कोने में लगी हुई थी मुस्लिम लीग नवाज, मेरे ख्याल में ऐसी सियासत ही की जरूरत थी मुस्लिम लीग नवाज को उस कोने से निकलने के लिए। फैसल वाडा साहब, एतजाज अहसन साहब का आज ये बयान दे देना, और आपने देखा है कि माजी के अंदर वो बड़े सख्त बयान देते रहे हैं नवाज लीग के हवाले से, तो आपको लग रहा है कि कुछ कुर्बतें हो रही हैं कहीं ना कहीं? बहुत शुक्रिया मुनीजा साहिबा। देखिए जी, कुर्बतें थोड़ी बहुत नहीं हो रही, बहुत खुल के कुर्बतें हो रही हैं, और एतजाज साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है और हम सब एडमायर भी करते हैं, लेकिन एतजाज साहब ने वो जो ब्लंट कह ले या बोल्डनेस कह ले कि उन्होंने वक्त से पहले ये बात खोल दी है, नोइंग द फैक्ट के जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है, ये कुर्बतों का ही नतीजा है कि आज हम 65 साल के बाद मुल्क की इस दौराए पे लेके खड़े हैं जहां औरतें, खवातीन, हमारी माएँ बहनें सड़कों पे बच्चे पैदा कर रही हैं और लोगों की पामाल हो रही है, इज्जत कपड़े उतार के, अल्लाह में माफ़ करें बुरे वक्त से, पुलिस खड़ी तमाशा देखती है डीआई खान के अंदर, तो ये सब चीजें इसी मुकमुका की सियासत जो हम डे वन से कहते थे कि हमारी आप इसको मुकमुका की सियासत देख रहे हैं या इस नजरिए से देख रहे हैं कि शायद चौधरी निसार से उनके कुछ इख्तलाफात रहे हैं, उस हवाले से उस जुमरे में उसको देख रहे हैं? नहीं 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 मुनीजा साहब, लेट्स नॉट मिक्स अप थिंग्स। यहाँ चौधरी निसार साहब का इशू बिल्कुल एक डिबेट है, वो एक्चुअली चौधरी निसार को रख कर सुनाते मियां साहब को थे। कुर्बतें बिल्कुल हैं और उस कुर्बतों के अंदर जो लंदन में मेन चीज है जो कोई अभी नहीं ब्रेक कर रहा या डिनाई कर रहे हैं सब, कि एक बिल और पास करने के लिए असेंबली में आ रहा है और उसके बेसिस के ऊपर एक और ड्रामा होने वाला है, जैसे कि आपने पहले दिनों में देखा कि चोरी के मुकदमात में वाले बेटी, दोनों बेटे, दामाद, घर दामाद, समधी, उसका बेटा, चाचा, भतीजे सब आ गए, उसके बावजूद रिवर्स किया गया असेंबली को। तो असेंबली यूज होती है या जमहूरियत यूज होती है? नाउ लेट मी पिन पॉइंट, आपने आपने एक बात कही है और इमरान खान साहब ने भी जो आज ट्वीट की हमने पढ़ के सुना दी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो एनआरओ के लिए डेस्परेट है, तो आप कौन सी एनआरओ की तरफ इशारा कर रहे हैं, डील की तरफ? कौन सी? मैं तो एक असेंबली का बिल पे कर रहा हूं और मुनीजा साहब, मैंने तो लास्ट कपल ऑफ वीक्स बैक मैं ये ब्रेक कर चुका हूं मैं मीडिया के ऊपर कि एनआरओ के लिए डेस्परेट मूव हो रही है, हुदैबिया का केस जो
इज अ क्लियर सिग्निफिकेंट साइन कि वो हुदैबिया केस क्यों नहीं चल रहा, मॉरेंटाल की रिपोर्ट कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं आ रही, तो ये सब चीजें किसकी तरफ ले जा रहे हैं? एनआरओ की कोशिश तो 100% हो रही है, चौधरी निसार कर रहे, शहबाज शरीफ कर रहे, आज भी शहबाज शरीफ मनाने परसों गए हैं, इससे पहले भी गए कि मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं, गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। हमजा साहब ये बहुत सुनी है कि फैसल वाडा साहब दिस इज संगीन इल्जाम है। मलिक अहमद साहब, जब एनआरओ होता है तो दो फरीकों के दरमियान होता है, तो ये बताइए कि हु इज बैटिंग फ्रॉम द अदर साइड सर? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इमरान खान साहब ने बार बार एनआरओ की जिक्र किया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और फैसल भी जो बात कर रहे हैं ये भी दुरुस्त नहीं है। देखिए अभी इस वक्त जो जो ज़्यादा पर्टिनेंट बात है जो सेनेटर ख्वाजा ने की जी, मैं उस पर थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा। अभी ये कह रहे थे कि हम सेंटर ऑफ द लेफ्ट पार्टी हैं और मुस्लिम लीग नून सेंटर ऑफ द राइट पार्टी है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद रोल्स कहीं चेंज हो रहे हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी, इनकी स्टेटमेंट की अहमियत थी। हम मैं आसिफ अली जरदारी साहब को एक क्लियर वेटेज देता हूं और नस्बतन इमरान खान साहब के किसी भी बयान से ज़्यादा उस चीज़ को वेटेज देता हूं, जब उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एमरजेंसी इम्पोज हो जानी चाहिए और मुस्लिम लीग नून जो है वो मुजाहमत की तरफ जा रही है, तो ये तो पिलर टू पोस्ट एक शिफ्ट चेंज है। इमरान खान साहब, मलिक अहमद साहब, देखें इसके अंदर कुछ चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। जब ये आपकी तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि डील हो रही है, मैं आपसे दो टोक अल्फाज में पूछूंगी, क्या कोई डील हो रही है? क्या आप गैर सियासी कुवतों के साथ कोई डील चाह भी रहे हैं? उदैबिया पेपर केस क्यों नहीं खुल रहा? मॉडल टाउन की जो रिपोर्ट है वो क्यों मंजरे आम पे नहीं आ रही? लोग ये सवाल पूछते हैं, यू हैव टू हैव एन आंसर। नहीं देखिये, मैंने तो कहा कि मैं यकसर इस बात को मुस्तरद करता हूँ कि कोई एनआरओ, कोई डील कतई तौर पर कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही कोई ऐसा सिलसिला है। ये जब होता ये है नॉर्मली कि जब अदालत अपने प्रोसीजर में कुछ तारीख लंबे दिनों की दे देती है जी, को 15-20 रोज की डेट पड़ जाती है जी, तो फिर इनकी बेसब्री का एक नया दौर शुरू होता है, और फिर उसमें पहले शेख रशीद साहब आते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और अच्छा, फिर उदैबिया पर अपना पूरा नैरेटिव। वो हम जानते हैं कि वो रूटीन क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक वकील साहब भी बैठे हुए, ये बताइए उमेर साहब के अगर एनआरओ की ये जब बात करते हैं, हुदैबिया पेपर मिल का खुलने की बात करते हैं, क्या ये केस उस स्टेज के ऊपर है भी कि हुदैबिया पेपर मिल फिर से खुल सकता है? देखें अभी तो उन्होंने नैब ने गालबन अपील फाइल की है, तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस उसको अपने वक्त पे लगा देगा, उसमें मेरे ख्याल से कोई इट्स अ रूटीन मैटर फॉर मी एटलीस्ट इट्स अ रूटीन मैटर। अगर वो आज फाइल होती और अगले दिन फ़ौरन पिकअप हो जाती तो शायद फिर उसके बारे में कहा जाता, बट आई बिलीव आई एग्री विद मलिक साहब्स व्यूज कि जी आज फाइल हो गई है तो जब अपने प्रोसीजर के हिसाब से रजिस्ट्रार ऑफिस उसको फिक्स करेगा तो फिक्स हो जाएगी, उसमें तो ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल। आई डोंट रीड एनीथिंग इनटू इट नॉर आई वुड रीड एनीथिंग। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो कर लें, अगर मियां साहब कन्विक्ट हो भी जाते हैं तो फिर क्या वो सुप्रीम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जी जाहिरी बात है, नैब के कानून में प्रोवाइडेड है कि उनके पास अपील का राइट अवेलेबल है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में 20 डेज के अंदर वो अपील फाइल कर सकते हैं, कोई भी कन्विक्ट मियाँ साहब हो या कोई भी हो, एंड देन देयर आफ्टर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दैट्स द नॉर्मल प्रोसीजर द राइट व्हिच इज अवेलेबल टू एनीवन हु इज। तो फिर ये मामला तो दूर तक जा रहा है मुर्तजा सोलंकी साहब, क्या हम लोग इसके ऊपर सियासत खेलें? चूंकि एहसन इकबाल साहब का आपने अगर फेसबुक पेज देखा हो तो उन्होंने ये कहा कि कुछ मीडिया के एंकर्स हैं जो नाराज हैं, कुछ रिटायर्ड फौजी सर्विसमैन हैं, कुछ हाँ कुछ फेल्ड पॉलिटिशियंस हैं, वही ये चीजें जो हैं इनको आगे कर रहे हैं। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का कोई ऐसा वजूद नहीं, ना ही कोई बात हो रही है। इज इट जस्ट आउट ऑफ द ब्लू? नहीं देखे, कुछ हल्के हैं जिनके मफादात हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई मावराए आइन कदम उठाया जाए, लेकिन मैं वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना इंट्रीग्ड हूँ इस बयान पर कि एनआरओ हो रहा है। बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई एनआरओ हो रहा है तो जैसा जो सवाल आपने उठाया कि हर ताल्लुक के दो हिस्से होंगे ना, एक लेने वाला होगा एक देने वाला होगा। बात यह है कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो अदलिया के पास हैं। मुल्क में कोई मार्शल ला नहीं है, कोई परवेज़ मुशरफ नहीं बैठा जो कि जहाज़ में बिठा कर कहीं भेज दे। तो अगर इस सेटअप के अंदर आप ये कह रहे हैं कि एनआरओ होगा तो आप उंगली उठा रहे हैं बराह रास्त अदलिया की तरफ कि आप जो है वो कोई मुख मुखा करेंगे।
तो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको ज़रा संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए कि वो बराह रास्त इस मुल्क की अदलिया पर आप इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि आप शायद इनको किसी किस्म की कोई छूट देने वाले। मुर्तज़ा साहब ये बात सही है और मैंने एक वक्फा लेना है, मगर सेनेटर करीम ख्वाजा साहब आपके पास मैं फिर से आऊँगी, चूँकि NRO की बातें इसलिए भी हो रही हैं कि आपने देखा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब यकदम चले गए सऊदी अरेबिया, खबर आई कि वो उमरा करने गए हैं, मगर फिर ये भी खबर आई कि वो रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स से मिले हैं। तो जब NROs होते हैं तो हम सबको मालूम है कि उसके अंदर सिर्फ ये एक बैन अल-अक़वामी सूरत हाल में NROs होते हैं। इस पर हम बात करेंगे मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो सेनेटर साहब ये बताइए कि इस तरह नवाज शरीफ साहब का सऊदी अरेबिया चले जाना, यकदम वो कह रहे थे कि वो उमरा के लिए गए, लगता नहीं है चूंकि खबरें अब ये आ चुकी हैं कि वो उनकी सऊदी ऑफिशियल से भी मीटिंग हुई, रॉयल फैमिली से भी हुई, फिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सऊदी अरेबिया के अंदर थे, अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी कोई डील होने जा रही है, आपको तो डील्स का पता चल जाता है, वो आ जाती है? देखें मुनीजा, मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून तासुर ये दे रही है कि हम पॉपुलर और एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनने जा रहे हैं, जो कि हमारे मलिक साहब ने भी बात की, मगर बदकिस्मती से मियाँ साहब का जिस इलाके से ताल्लुक़ है, 1.5-2 हज़ार साल की तारीख में यहाँ के जो पॉलिटिशियन या बादशाह जो रहे हैं वो हमेशा जो है पावर के साथ रहे हैं। राजा पोरस ने भी आखिर अलेक्ज़ेंडर को कहा कि भाई मैं बादशाह हूँ, मुझे बादशाहत दो, तो अलेक्ज़ेंडर ने दे दी। तो नवाज शरीफ की डील भी अगर होगी तो इसी तरह ही होगी, और नवाज शरीफ ने पहले भी डील इसी तरह ही की है, जुड़े जो को हटाने की सूरत में खुद बादशाह बन गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट या पॉपुलर पार्टी बनने जा रही है, क्योंकि मौजूदा तारीख में यूनियनिस्ट पार्टी सारी की सारी जना के साथ आ गई। तो इसी तरह मेरा सवाल फिर भी उधर ही है, क्या सऊदीज के बगैर ये डील हो सकती है? तो इसका जवाब मैंने दे दिया, जब पोरस का जवाब मैंने दिया गया, पोरस ने ये कहा अलेक्जेंडर को कि मैं बादशाह हूँ, मेरे से इसी तरह ट्रीट करो जिस तरह बादशाह, तो अलेक्जेंडर ने कहा कि भाई तुम संभालो जाकर पंजाब सारा। ठीक, तो मलिक अहमद साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी बिल्कुल, मैं सेनेटर साहब जो कह रहे हैं, तारीख का हवाला दे रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, ये एक तारीखी हकीकत है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा रिसेंट एक उनको एक 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 छोटा सा बाइट मोहतरमा शहीद का याद करा देता हूँ। उन्होंने जब अपना उनकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई और एयरपोर्ट पे उन्होंने एक प्रेस टॉक करते हुए जिसमें उन्होंने ये कहा कि व्हाट आई कैन फियर टुडे इज़ के आने वाले वज़राए आज़म के साथ यही सलूक किसी ना किसी अदालत से होता रहेगा, तो आई वुड रेफर के ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो लाइट जो मोहतरमा ने खुद छोड़ी, मोहतरमा शहीद ने, कि जिसमें उन्होंने कहा कि आउस्टर ऑफ गवर्नमेंट्स जो होगा वो किसी ना किसी के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस के साथ होगा, तो वो बात उनके विजन से हम तो एग्री कर रहे हैं आज कि मानते हैं कि कुछ गलतियां तारीखी एतबार से हमारी ज़रूर होंगी। और जो मैंने पहले कहा वो ये कहा कि देखे मुस्लिम लीग नून की जो बुनियादी असास है ना जी, उसमें आज ये बात तय हो रही है, इतना हो रहा है इस चीज़ का कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस ट्रैक पे खड़ी है वो तो अब फुल फोर्स के साथ, जिसकी आज सेनेटर एतजाज़ अहसन ने भी उसकी तस्दीक की, भले से उसमें हम जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ जाएं, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसके साथ इंस्टीट्यूशंस के साथ कत्ता कलामी माफ। मलिक अहमद साहब, आज बल्कि जो खबर छपी है वो ये भी छपी है कि चौधरी निसार साहब ने यह कहा है कि जो नून लीग है वो अपनी मुफादात की सियासत अब कर रही है, तो जाहिर है जाती मुफादात की पार्टी बन गई, जाती मुफादात की पार्टी बन गई है, तो जाहिर है वॉइसेस ऑफ डिसेंट भी है, मगर सेनेटर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें मलिक साहब, अगर नवाज शरीफ साहब, मैंने पहले भी सवाल का पहला हिस्सा कहा कि वो सोच रहे हैं कि पॉपुलर पॉलिटिक्स और एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी बात है, मगर फिर मैंने तारीखी हवाला दिया, आपके जो MNAs हैं या आपके काडर है, अगर तो वो पीपल्स पार्टी के काडर की तरह जम कर खड़ा होता है तो या बिस्मिल्लाह, इट्स अ गुड थिंग, मगर ये जो मैंने जो हकीकत है देखी है, हम आपके लिए कोई एडवर्स रिमार्क नहीं रखते,
जो बातें मैंने तारीखी तौर पर की है। अच्छा, इधर मुर्तजा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, फिर फैसल साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइए कि जो सेनेटर साहब ने बात की उसमें कुछ दम है। आपको याद होगा कि सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को जब नाहल करार दिया गया था तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं एक पॉइंट एजेंडे पे खड़ा हुआ हूँ और वो है पार्लियामेंट की बालादस्ती, मगर शर्त यह है कि बाकी सब मेरे साथ चले। आपको क्या लगता है कि इनकी पार्टी इनका साथ दे सकेगी या ये टॉप डाउन अप्रोच होगा कि ऊपर का बंदा ज़्यादा जमहूरी होगा, नीचे परमिएट नहीं करेगा? आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के? मैं पीएमएलएन की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। क्या नवाज शरीफ साहब ही जमहूरी पसंद है कि बाकी पार्टी भी है? Where will he lose this party? देखें, जब ये पार्टी बनी थी तो उसका मिजाज कुछ और था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दो दफ़ा इनका झटका हुआ और ख़ास तौर पर जो 99 का जो सानहा था, जिस तरीके से उनकी हुकूमत को हटाया गया, तो काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई हैं उनकी पार्टी के अंदर भी और नवाज शरीफ के अंदर भी। अब वो उस लेवल की हैं जो कि मेरे दोस्त देखना चाहते हैं या कुछ और, वो एक अलग बात है, लेकिन तब्दीली तो एक हद तक है कि अब आप जो है वो किसी तानाशाह की मदद से सिर्फ हुकूमत नहीं करना चाहते बल्कि जो वोट की ताकत है उसको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर रिलाय कर रहे हैं, तो वो तो है। ठीक है उमेर, ये बताइए कि अब जो बातचीत हो रही है और इशारा हो रहा है कोर्ट्स की तरफ, तो क्या कोर्ट्स को भी कुछ एक अपनी इमेज का ख्याल तो होता है? मेरा तो अपना ख्याल ये है कि जो भी आपने पहले जिक्र किया एनआरओ का या एनआरओ नो एनआरओ, द ट्रायल हैज़ टू रीच टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। देखें, जितने भी ट्रायल पीछे हमने देखे हैं नैब से रिलेटेड, या तो इसमें दो ही प्रोविजंस अवेलेबल हैं, अदालत में ट्रायल चले या नैब के पास 31B के अंडर, आज इसका आपको याद होगा कि आज चेयरमैन नैब ने भी कहा कि हम रिव्यू करेंगे, वो वापस नैब खुद वापस ले ले। इस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि नैब वापस भी ये रेफरेंस ले सकती है, बिकॉज दीज रेफरेंस हैव बीन फाइल्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंटेन्ड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो इस केस के अंदर हम ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, आप ये कह रहे हैं? मेरा अपना ख्याल है कि ट्रायल हैज टू कंक्लूड, इट मे कंक्लूड इन द एक्विटल, मे बी प्रोसिक्यूशन इज अनएबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, बिकॉज वी आर ऑल प्रिज्यूमिंग राइट नाउ एज इफ के वो हो गए, वो हो गए। देखिए, और आप कह रहे हैं कि इसके अंदर काफी वक्त भी लगेगा, काफी वक्त लगेगा जरा से कि कोई जज या कहीं भी अदालत जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो डिफेंस के लॉयर्स को कोई अदालत रोकती नहीं है अनलेस इररिलेवेंट क्वेश्चंस हों। ठीक है, ठीक। तो फैसल वाडा साहब, दूसरी तरफ हमने देखा है कि आपकी लीडरशिप बार बार कहती रही कि जी जल्द इलेक्शन होने चाहिए, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एक जल्द इलेक्शन होने चाहिए, मगर हमने ये भी देखा है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी वर्कर्स को कह दिया कि जी 2018 के इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। तो आपकी पार्टी में भी शिफ्ट आई है, अब आप क्या तैयारियां पकड़े हैं 2018 में इलेक्शन की, कि अभी भी कबल वक्त इलेक्शन चाहते हैं? मुनीजा साहब, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। जी जी। देखिए मुनीजा साहब, मेरी बात को बड़ा स्मार्टली स्पिन किया गया स्मार्ट पॉलिटिशियंस ने। मैंने ये कहा कि एनआरओ बिल्कुल मांगा जा रहा है, मैं अपनी बात पे खड़ा हुआ हूँ। चौधरी निसार, शहबाज शरीफ साहब पहले भी मैसेज लेके गए इस ट्रिप से पहले, और डिमांड उन्होंने ये की है कि जी आप मरियम बीबी को छोड़ दें, हमें केसेस नैब के ना चलवाए, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और मियां साहब को सियासत करने दें। फौज ने उनको कहा जी हमारा इस बार कोई कंसर्न नहीं है, आपको कोर्ट हार पहनाए या आपको जेल में डाले। अच्छा, इससे पहले होता क्या रहा है कि एनआरओ हमारे मुल्कों में हाई एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेते हुए सारे गेस्ट घबरा रहे हैं, मैं एस्टैब्लिशमेंट नाम ले लेता हूं, जैसे कि मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क का तबाही का एनआरओ बनाया और वो फिर इन्हीं की हकूमत में, जिसको ये भगोड़ा कहते हैं, बिल्ला कहते हैं, लेकिन छोड़ने वाली भी यही हकूमत है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए था, उसका सऊदी जाते हुए एग्रीमेंट करके वो भी एनआरओ करके फारिग हो गए, वो हकूमत में आ गए, ये सऊदी अरब एग्रीमेंट करके चले गए। तो कीपिंग इन व्यू द पास्ट, एस्टैब्लिशमेंट से एनआरओ मांगा जाता है, लेकिन इस बार एस्टैब्लिशमेंट इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, इस बार जुडिशरी अपना काम करी और जुडिशरी के काम को इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है, क्योंकि जस्टिस कयूम वाली जुडिशरी हमेशा मियां साहब के लिए काम की है, फोन पे फैसले चेंज। तो ये वन साइडेड एनआरओ चल रहा है, इनके दमाग में एनआरओ चल रहा है, इट्स अ डिमांड, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ डिमांड, इट्स अ रिक्वेस्ट, व्हाट दे वांट, एंड दैट्स द रीजन सऊदी रॉयल फैमिली के पास जाके भी
कुछ पुराने तर्ज सियासत के तहत उनको लॉन्च करने की कोशिश की कि आप बात करें फौज से, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। संगीन इल्जाम है फैसलवादा साहब, संगीन इल्जाम है। मलिक अहमद साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी मैं मुनीजा साहब एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। जी कंप्लीट कर ले आप, फैसल साहब कंप्लीट कर ले बात अपनी। मुनीजा साहिबा, दूसरी बात ये कि हमने कोई 18 के इलेक्शन की बात नहीं की है अपनी पार्टी के अंदर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपनी लेगेसी, अपनी चोरी बचाने के लिए मार्शल लॉ जैसी चीजों को दावत दे रहे हैं। और मार्शल लॉ अगर ISPR कहती है हम नहीं लाएंगे, तो इवन चीफ भी आगे बयान देगा तो मैं यकीन नहीं कर सकता। मार्शल लॉ एक कैफियत है, वो ऑटो पे ऑन हो जाती है और उसके इंग्रीडियंट से जनरल इलेक्शन 2018 में जाते हैं सर। उसका हम क्योंकि ये मार्शलों को दावत दे रहे हैं और एक गैर आइनी तरीका चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए, हम अर्ली एक्शन कॉल इन भी कर रहे हैं, उसके लिए राबता भी कर रहे हैं, और उसके लिए हमें इस्तीफे देने पड़े तो हम वो भी देंगे, लेकिन होंगे अर्ली इलेक्शन ही। मलिक साहब देखिए, मैं फैसल की जितनी बात है सारी को अक्सर मुस्तरद करता हूं और समझता हूं कि ये बिल्कुल विदाउट रीजन एंड राइम है और बिल्कुल गैर मंतकी बात है। देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव बड़ा क्लियर है और मुस्लिम लीग नून अपनी जो पॉलिटिकल प्रोसेस को किसी सूरत भी डीरेल होने, कैसे डीरेल होने देगी कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो मुस्लिम लीग नून खुद है। और अगर आज उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर एक डिसीजन आई है तो हम तो चाह रहे हैं, हम डिमांड ये कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। कल की जो लंदन में मीटिंग हुई और उसके बाद CM पंजाब की जो प्रेस टॉक हुई, उसमें फेयर ट्रायल के डिमांड के अलावा बाकी बातें तो ज़िमनन थी। सिर्फ ये कहा गया कि फेयर ट्रायल दिया जाए। और फिर जो दूसरी बात अभी फैसल कर रहे थे कि ये जो NRO के हवाले से दलील दे रहे हैं कि सऊदी किंग के पास गए या कोई ऐसी बात की, तो इनको ये ख्याल करना चाहिए कि जो एक लीगल कॉन्सिक्वेंस है, तो लीगल कॉन्सिक्वेंस तो ब्रश वे नहीं हो सकेगा। अगर कोई ये सोच भी रहा होगा कि कोई NRO करना है या नहीं करना, तो हाउ कैन अ लीगल कॉन्सिक्वेंस बी ब्रश वे? क्या ये जुडिशरी? मलिक साहब, वी गेट योर पॉइंट, रिव्यू वी गेट योर पॉइंट। सेनेटर साहब, आपको क्या लगता है कि अब बिल्कुल बात खत्म हो गई है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की या अर्ली इलेक्शंस की? अब वक्त पे ही इलेक्शंस होंगे और सारी पार्टी इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये यकीन करती है और इलेक्शन मोड में चले गए? आज का दिन जो है बहुत अच्छा दिन है। उसका रीजन ये है कि आज जो याज सादिक के अंडर में जो फैसले हुए हैं वो चीज़, वो हर चीज़ को मतलब ख़त्म कर दिए कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। और ये एक मेरे ख्याल से जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या माशाल्लाह या थर्ड फोर्स, उसके आज शिकस्त का दिन है। और ये जी मंजूर वसान साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है नवाज शरीफ साहब का कद छोटा करने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे मुर्तजा साहब? मेरे ख्याल में मैं शेख रशीद और मंजूर वसान साहब के जो बयान हैं उनको संजीदगी से नहीं लेता, न उनको मैं अहम समझता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बात करूँगा जो कि ख्वाजा साहब ने की, वो बहुत अहम बात है। अगर PTI वक्त पर इंतखाबात न चाहती तो आज जो पार्लिमानी लीडर्स का जो इत्तेफाक हुआ है।